वेलकम। आज के सीन के बारे में बताएंगे। अभी मोनामी को पता चल गया है कि कारण इस वजह से नर्वस था क्योंकि वो रिंग देना चाहता है, मोनामी को रिंग देकर प्रपोज करना चाहता है, बट वो पूरी कोशिश करती है कि कारण से ये बात इजीली बाहर कर निकलवा ले, बिकॉज़ वो काफ़ी नर्वस है। और आई थिंक इसी वजह से मोनामी को जो पहले लगता है कि शायद उसकी आईज़ में प्रॉब्लम था, बट बाद में उसे पता चलता है कि अच्छा ये रीज़न है, बिकॉज ऑफ दैट ही वो इज़ एक्टिंग वियर्ड। तो अभी मोनामी फुल कोशिश कर रही है कि अब कारण उसको प्रपोज कर ही दे। जैसे कि पता देखा था हमने सीन में कि करण जो बाहर आता है उनका जो वो एग्रेसिव लुक है जो वो अवॉइड करते हैं, उसके बारे में बताया। हाँ वही मैं कह रही हूँ, वो अवॉइड कर रहे हैं मुझे बिकॉज वो मोनामी को ऐसा लग रहा है कि वो डर रहे हैं ये बात, क्योंकि प्यार व्यार के मामले में वैसे भी करण थोड़ा सा शाय है और हिचकिचाता है और काफ़ी दिन से बियर्ड भी बिहेव कर रहा है। तो मोनामी को लगा कि चलो अब भाभी ने बता दिया तो करण से भी पूछ ही लेते, प्रपोज करवा ही देते। तो वो पूरी तैयारी करती है रूम में, फुल बाहर के रेस्टोरेंट जैसा सेटअप करती है अरेंज, एंड सो दैट करण के लिए ईजी होगा मोनामी को प्रपोज करना। अभी होली भी आ रहा है तो होली के क्या क्या प्लान्स हैं? हाँ फिलहाल तो होली के कोई प्लान्स नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी शूटिंग, तो आई थिंक सेट पे ही होली होगी। तो आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने मिल सकता है? आने वाले एपिसोड्स में आपको काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी मोनामी को पता नहीं है कि वो करण नहीं है वो बल्ली है। तो आई थिंक आने वाले एपिसोड्स में शी विल फाइंड आउट कि यू नो ये करण हो ही नहीं सकता, एंड फिर वो ऑब्वियसली वरीड होगी कि अगर ये बल्ली है करण नहीं है तो फिर करण कहाँ है, एंड देन शी गोज ऑन टू फाइंड करण, एंड फिर उसके बाद देखते क्या होता है। सो आई थिंक आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों की एंट्री भी हो रही है हमारे एकेडमी में, तो देखते हैं करण और बल्ली के जो है आपको क्या डिफरेंशिएशन। मोनामी को फ़िलहाल तो मोनामी वियर्ड बिहेव कर रहा है ये जानती है, बट वो इस बात से बिल्कुल ये तो आउट ऑफ यू नो सोच है कि कोई करण के जैसा एग्जैक्टली लुकिंग पर्सन ऐसा एकेडमी आ जाएगा और करण के बेस में, तो वो मोनामी को बिल्कुल ये आइडिया है नहीं। तो शी इज़ थिंकिंग कि अच्छा ये इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो पहले वो अनुमान लगाती कि अच्छा इसकी आँखों में प्रॉब्लम, दैट इज़ वाई इज़ एक्टिंग वियर्ड। फिर जब वो भी रूल आउट हो जाता है तो फिर पता चलता है कि अच्छा इट वॉज़ बिकॉज ऑफ द रिंग कि वो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहा है। अच्छा होली की बात करें जैसे तो कभी सेट पे कभी फैजी हो गए, संजू सेट हो गए और शालिनी के साथ कोई ऐसा मोमेंट कुछ होने वाला है? अभी तो होली का कुछ नहीं पता है लिटरली, अभी कोई प्लानिंग नहीं की। आई थिंक मोमेंट में जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, प्लान करके चीज़ें, आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग सो मच। थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना लव देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए हर कैरेक्टर से, हर किरदार से। सो कीप वॉचिंग जिद्दी दिल मानेना, आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो देखते रहिए जिद्दी दिल मानेना सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ओनली ऑन सोनी सब।